बेटा कैसे हो आप सब अच्छे? ओके बेटा, आई एम योर टीचर फ्रॉम एस एस कॉन्वेंट स्कूल भोपियामऊ प्रतापगढ़। तो चलिए जल्दी से फिफ्थ क्लास के बच्चों, आप लोग अपनी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसको निकालिए। और हम क्या कर रहे थे बेटा? यस, जो थर्ड चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ रहे थे, और पढ़ने के बाद उसकी आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं ना। यस बेटा, तो चलिए एक्सरसाइज उसकी करते हैं। और सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेंसिलें आपके पास होनी चाहिए, है कि नहीं? यस, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एडीस मच्छर के काटने से क्या होता है? मैंने लिखा हुआ है वायरल बुखार डेंगू होता है। क्या होता है? वायरल बुखार डेंगू होता है, ठीक है? इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। उसके बाद है बेटा सेकेंड क्वेश्चन है, एडीस मच्छर कहाँ पैदा होते हैं? रुके हुए पानी में पैदा होते हैं। कहाँ? जहाँ पे पानी क्या होता है? रुका हुआ होता है, उसी में पैदा होता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, एडीस मच्छर का प्रजनन काल कब से कब तक होता है? एडीस मच्छर का प्रजनन काल कब से कब तक होता है? जी हाँ, ये जुलाई से अक्टूबर तक होता है। कब से कब तक? जुलाई से अक्टूबर तक होता है। ओके, यस बेटा, तो आपका क, ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उसके बाद है बेटा ख, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, डेंगू फैलाने वाला मच्छर देखने में कैसा होता है, इसका नाम लिखिए। तो ये उत्तर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, आप देखिए किस प्रकार इसको लिखोगे आप लोग। यस बेटा, तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखोगे कि यह देखने में और मच्छरों से आकार में थोड़ा बड़े होते हैं, तथा इनके शरीर पर गोल गोल निशान होते हैं। इस मच्छर का नाम एडीस मच्छर है। ओके, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन और है कि इसका नाम लिखिए, है ना, मच्छर का नाम लिखना है। इसका नाम क्या है? इस मच्छर का नाम एडीस मच्छर है। ओके, इस प्रकार आपका जो पहला क्वेश्चन है वो उसका आंसर है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, मच्छर रक्तपान क्यों करते हैं? मच्छर रक्तपान क्यों करते हैं, खून क्यों चूसते हैं? यस, इसका उत्तर इस प्रकार लिखिएगा, मच्छर रक्तपान से अपने शरीर में प्रोटीन इकट्ठा करते हैं। यह प्रोटीन उसे अंडे देने में सहायता करता है, यही प्रोटीन। ओके, यदि वह ऐसा ना करे तो अधिकतर मादा मच्छर अंडे देने में असमर्थ हो जाएंगे, ठीक है? तो ये आपका सेकेंड का आंसर है। ओके, यस यस बेटा, और थर्ड क्वेश्चन है, डेंगू के क्या लक्षण हैं? इसका उत्तर मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ, आप इस प्रकार लिखोगे इसको, इसके लक्षण 2-4 दिन में नज़र आने लगते हैं, जैसे रोगी को सर्दी लगने के साथ साथ बुखार आना, चक्कर आना, उल्टी शुरू हो जाना, तथा शरीर बेजान हो जाना। कभी कभी रोगी के मल के साथ साथ रक्त भी निकलता है, ठीक है बेटा? इस प्रकार ये जो तीसरा प्रश्न है इसका उत्तर कंप्लीट हुआ। आगे देखिए बेटा, जो फोर्थ क्वेश्चन है, डेंगू से बचने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए? ठीक, इसको इस प्रकार आप लिखोगे, इसके लिए हमें कूलरों को सप्ताह में एक बार भली भांति सुखाना चाहिए, और उसमें साफ पानी भरना चाहिए। यदि इनमें पानी निकालना संभव ना हो तो पानी में एक बड़ा चम्मच पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए, इससे मच्छरों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। छत पर रखी पानी की टंकियों के ढक्कन भी अच्छी प्रकार से बंद कर देने चाहिए। पानी रखने वाले बर्तनों, बाल्टियों आदि को प्रतिदिन साफ करके ढककर रखना चाहिए। समय पर कीटनाशक दवाइयों का अपने घर के आसपास छिड़काव करते रहना चाहिए, और घर के आसपास पानी इकट्ठा हो तो सप्ताह में एक बार मिट्टी का तेल अवश्य उस पर भी डाल देना चाहिए, ठीक है बेटा? तो इस प्रकार आपका ये जो सेकंड वाला ख जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। बाकी जो थर्ड क्वेश्चन है आप इस प्रकार करोगे इसको बेटा, सही कथन पर टिक और गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। डेंगू एक वायरल बुखार है, यस, ओके। एडीस मच्छर आकार में अन्य मच्छरों से छोटा होता है, क्रॉस, बड़ा होता है ना। एडीस मच्छरों के शरीर पर गोल व भूरे निशान होते हैं, रॉन्ग। डेंगू मच्छर का प्रजनन काल नवंबर से फरवरी के बीच अधिक होता है, रॉन्ग। डेंगू से बचने के लिए हमें आसपास के क्षेत्रों में पानी इकट्ठा नहीं हो देना
उन्हें देना चाहिए? यस, ओके। इस प्रकार बेटा आपका ये ख ग भी कंप्लीट हुआ। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भाषा व्याकरण करेंगे।